में पंचामृत बताने वाला हूं। तो पंचामृत में सबसे पहला तो वेट कम करने के लिए ये देखो कोकोनट ऑयल है। अभी मैं सारे उपाय बताऊंगा। तो ये दो चम्मच ऐसे देखो, पूरी दुनिया में अमेरिका में ₹5,000 लीटर बिकता है, हमने तो ₹500 लीटर उपलब्ध करा रखा है हिंदुस्तान में। 2 चम्मच कोकोनट ऑयल, वर्जिन कोकोनट ऑयल है, ये खाली पेट ऐसे ही पीले जैसे मैं पी के बता रहा हूं। ये पीने में भी बहुत टेस्टी है और इससे वेट कम होता है, इससे मसल्स मजबूत होते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, चेहरे पर ग्लो रहता है और एंटी एजिंग है। पूरी दुनिया में लोग इसको पी रहे हैं आजकल, ये हेल्दी डाइट का प्रयोग बता रहा हूं। देखो मैं आपको एक बात बता रहा हूं, जो है रिफाइंड ऑयल ना खाएं, ये सरसों का तेल, ये सेसमे ऑयल, तिल का तेल डायबिटीज वालों के लिए, मोटापा वाले अर्थराइटिस वालों के लिए औषधि है। तेल कहते ही तिल को तेल, तिल से ही तेल बनता है, तेलेषु भवः तैलम, जो तिलों में होता है उसी को तैल बोलते हैं। तो ये तिल जिसको सेसमे बोलते हैं अंग्रेजी में, सेसमे ऑयल, सरसों का तेल, और जो आपको रिफाइंड खाना भी है तो राइस ब्रांड फिजिकल रिफाइंड ऑयल खाएं, केमिकली नहीं। तो उसके अंदर जो उसके नेचुरल कंपोनेंट्स रहते हैं पूरे। तो खैर अभी मीठा ना खाएं, उसकी जगह शहद लें, उसकी जगह मधुरम लें, कि मीठा चीनी जो है वो चीनी मैदा ये दुश्मन है मोटापा वालों के लिए। तो ये मधुरम, ये शहद, और जब भी प्यास लगे गर्म पानी पिए, नहीं तो दिव्य पे हर्बल टी ले। और अभी 5 चीजें बता रहा हूं वेट कम करने के लिए। ये गौमूत्र है, तो देखो पानी लाओ भाई इधर, और कपालभाति। तो ये गौमूत्र का अर्क पानी में डाल करके थोड़े से गुनगुने पानी में, ज्यादा गुनगुने में नहीं, गोधन अर्क है। गौमूत्र को डिसलाइज कर दिया जाता है, उससे बनता है मेदोहर भट्टी है, ये मेदोहर भट्टी, 2-2 गोली या 3-3 गोली, और 1-1 क्विंटल के हैं तो 4-4 गोली खा लो सुबह शाम, कोई दिक्कत नहीं, गर्म पानी के साथ खाना, खाली पेट खा लो, एकदम असर होगा। गोधन अर्क, ये मेदोहर भट्टी, और ये देखो ये अश्वगंधा के पत्ते, 3-3 सुबह 2-5 शाम 3 बार खा लो। ये पत्ते देखो, ये तो मैंने इसलिए रख रखा है, ये मैदा नहीं खाना, ये चीनी नहीं खाना, 3-3 पत्ते ये अश्वगंधा के, ऐसे इसको चबा के खा लो। इधर आओ अनुराग, अब इसके ऊपर, ये कोरोना में तो इसके अंदर विथिनोन होता है, कोरोना हटाने के लिए, मिटाने के लिए। तो बाकी इसके जो पत्ते हैं ये धो के रखे हुए, पूरे मुंह में डालो, चबा जाओ। हाँ ये पान नहीं है। अब धीरे धीरे इसको, इनको कई बार खिलाया हुआ है स्वामी जी। इसके बाद में देखो स्वामी जी, इस पत्ते का टेस्ट कैसा है, कैसा लगा डॉक्टर साहब टेस्ट? बहुत अच्छा बता रहे हैं, अब बाबा जी ने दिए हैं तो। लेकिन इसका सामान्य टेस्ट होता है, देखो ये इसका जो टेस्ट होता है, कोई अब ये कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई बनारसी पान खा रहे हैं, कोलकाता का पान खा रहे हैं, सामान्य टेस्ट होता है ऐसे 3-3 पत्ते सुबह 2 पर शाम। फिर ये मेदोहर वटी, मतलब आदमी आसानी से खा सकता है। इनके पिताजी ने 80 किलो कम किया, इन्होंने 15 किलो। ये मेदोहर वटी जो है, तुमने खाई कि नहीं खाई? कितनी खाती हो? 2 खाती है ना, इसलिए अभी थोड़ी धीरे धीरे कम हो रहा, 4-4 खाया कर ले, इसको प्रसाद दे दिया। ये मेदोहर वटी और ये गोधन अर्क जो है, ये पानी का बोतल लेकर के आओ, इधर आओ पूज्य स्वामी आनंद देव जी। लोग हमारे यहाँ पंचामृत पीते थे, और वो पंचामृत का जो है, पंचगव्य का पान जो करते थे, उसमें मूल होता है ये। लोग अक्सर, मैंने सुना ऐसे ग्रासों के अंदर विस्की पीते, दारू पीते हैं। तो लो हम इसके अंदर ये देखो, ये गोधन अर्क डाल दिया, ये गोधन अर्क, और इसके अंदर ऐसे पानी डाल दो, थोड़ा गुनगुना, ज्यादा तो फिर तीखा लगता गले में, और फिर ऐसे ये पानी डाल दिया, दिव्य जल डाल दिया। लो अब पी जाओ, पी के बताओ कैसा लगता है, बैठो यही बैठो। तो ये मैं आपको मोटापा कम करने वाले उपाय बता रहा हूं, ये खाली प्रसाद नहीं बांट रहा हूं। फिर इसके अंदर एक उपाय है, सुबह उठ करके एक गिलास खाली दो भाई, कैसा लग रहा है, थोड़ा गले में लगता है?
थोड़ा सा तेज लगता है। देखो अब नींबू पानी, नींबू और थोड़ा उसमें अदरक डाल दो, नींबू अदरक और इधर वो जूस बनाओ लौकी का फटाफट, फिर कहेंगे समय कम हो गया है, समय तेजी से भाग रहा है, अभी बोलने वाला है हमारा हुसैन भाई। तो ये नींबू पानी गरम जो है गरम पानी के अंदर ये नींबू निचोड़ो, वेट निचोड़ जाएगा। ये नींबू जो है अभी मैं इसको हाइजीन का ध्यान रखते हुए ऐसे ही निचोड़ देता हूँ। देखो स्वामी जी सिर्फ प्रसाद तो नहीं बांट रहे हैं, योगी नहीं सिखा रहे हैं, एक नींबू निचोड़ो जहनों को भी रीड कर ले रहे हैं। कपाल भाती अनुलोम विलोम, आप अनुलोम विलोम करो, सब इधर ही देख रहे हैं क्या मिलेगा। तो अच्छा स्वामी जी एक ये योग करना भूल गए, कपाल भाती के बाद अनुलोम विलोम। स्वामी जी देखिए आप तो सब जानते हैं, आपने ये भी जान लिया कि मैं कहने वाला हूँ कि समय बहुत तेजी से भाग रहा है, तो आज का संदेश भी लगे हाथ दे दीजिए। आज का संदेश यही है, अच्छा आहार लो, अच्छे विचार रखो, रोज सुबह योगाभ्यास करो और सुबह उठ करके गोधन अर्घ पियो, मेदो हरबटी लो या त्रिफला, ये त्रिफला है, रात को पानी में भिगो के सुबह गर्म करके और उसमें थोड़ा सा त्रिफला और डाल लो, उसके अंदर जो है इसके अंदर अदरक, थोड़ा सा अदरक का रस डाल लो और एक चम्मच शहद इसके अंदर गर्म पानी के अंदर, ये गर्म पानी के अंदर डालना है। तो ये गर्म पानी में फिर एक चम्मच शहद डाल करके जब ऐसे पियेंगे तो ये फिर औसत बन जाएगा। और ये जो है मैंने दिया है, ये देखो लौकी का जूस निकाला था अभी। स्वामी जी तो आपकी हर बात औषधि से कम नहीं है, ये औषधि है बिल्कुल।